कविता संभालिएगा कि न नर में कोई राम बचा नारी में न कोई सीता है, न नर में कोई राम बचा नारी में न कोई सीता है, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है। न नर में कोई राम बचा नारी में न कोई सीता है, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है, ना श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा है, ना श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा है, ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा है, ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचाना नानक जी सा परम त्याग, ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचाना नानक जी सा परम त्याग, बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटले आग, फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसकी धुनी में रम कर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। कविता का पहला पैरा खत्म हुआ। तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम अरे यार मैं भूल गया। तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे तुम दंग रहे, तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। एक दुर्योधन, अब एक बड़ा मजेदार पहलू है, मतलब जिसने भी महाभारत देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, कि यदि दुर्योधन के साथ में भीष्म पितामह और कर्ण न होते, क्या उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो महाभारत में जा सकता था? और वो दोनों लोग क्यों तैयार हुए एक अधर्मी के साथ जाने से? क्योंकि उसने उनको उनके धर्म का वास्ता दिया। भगवान के होते हुए भी कोई किसी को गलत धर्म पढ़ा सकता है, तो आज तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो कहा था ना कि भगवान मर जाते होंगे दंगे देख के, तो पंथियां संभालिएगा कि तुम शकुनी के षड्यंत्रों से घृणित रहे तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है, एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है, कुछ धर्मांधों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है, फिर धर्म की चीलम में नफरत की चिंगारी से आग लगाकर, फिर धर्म की चीलम में नफरत की चिंगारी से आग लगाकर चरस का धुआं फूंक फूंक मतवाले होते जाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो।